नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। खबर है हमीरपुर से। आपको बता दूं कि सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को एकत्रित कर कोरोना को दावत देने का काम यहां के दुकानदार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जगह जगह पर सैकड़ों की संख्या में लोग हुजूम लगाकर मार्केट में आ रहे हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो और एक एक दुकान पर लोग बिना डिस्टेंस और बिना मास्क के खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ दोष किसका है, प्रशासन या फिर वो दुकानदार जो अपने ग्राहकों को डिस्टेंस बनाने को नहीं बोल रहे, या फिर वो जनता या वो ग्राहक जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना को दावत दे रहा है। मामला जनपद हमीरपुर के राठ का है। यह सारी करतूत व्यापार मंडल की है। व्यापार मंडल ने अपने निजी फायदे के लिए सिर्फ अपने स्टॉक और अपने माल को बेचने के लिए बाजार खुलवा दिए, लेकिन क्या वे नहीं जानते कि अपने निजी फायदे के लिए कितनी भारी संख्या में जनहानि होगी। हमीरपुर का राठ क्षेत्र, जो कि ग्रामीण इलाकों से जुड़ा है, वहां रोज ग्रामीण इलाकों से लोग भारी संख्या में दुकानों पर बिना प्रशासन के भय के हुजूम लगा रहे हैं। दुकानदार भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। बिना मास्क के भारी संख्या में लोगों को एकत्रित कर सामान बेचा जा रहा है। क्या यही है प्रशासन का गाइडलाइन? जिला अधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक ने व्यापार मंडल को दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई थी। कुछ शर्तों के साथ दुकानदारों को अपनी जगह के हिसाब से 5 व्यक्ति से ज्यादा एकत्रित नहीं कर सकते, और वह भी डिस्टेंस बनाकर दुकान के बाहर एक गोला बनाना होगा।